सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज, फाइनली आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राउरकेला का फेमस बिरयानी। तो काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम कहाँ पे फेमस बिरयानी मिलता है, प्लीज़ बताना। तो गाइज, आप लोगों को भी पता है कि राउरकेला का फेमस बिरयानी है बानो होटल बिरयानी, जो कि राउरकेला के बस स्टॉप पर मिलता है। एंड गाइज देखिए, ये इधर है बस स्टॉप और यहाँ पर है होटल बानो। ये देखिए बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रहा होगा। सो गाइज, मैं यहाँ पर आज आके पहुँच गई हूँ। तो चलिए चलते अंदर। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रहा है, तो फिर भी देखते हैं अंदर बैठने के लिए प्लेसेस मिलता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आइटम है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और फिर देखते हैं ट्राई करके बिरयानी और कैसा टेस्ट आप लोगों को बताऊंगी जल्दी। सो या गाइस, ब्लॉग में बने रही है। सो गाइस, ये देख लीजिए, उसका एंट्रेंस लिखा हुआ है बानो होटल। एंड गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा लाइक यहाँ पे कितना भीड़ है, लाइक इतना फेमस जगह है कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं खाने के लिए। एंड यहाँ पे पूरा लाइक बस वगैरह रखा हुआ है, जितने भी बस में आते हैं ट्रैवल करके सब लोग यहीं पर खाते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है ऐसा मैं सुनी हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है मेन्यू में। सो गाइस, ये देख लीजिए उनका मेन्यू, वहाँ पे बिरयानी और मेन कोर्स लिखा हुआ है। प्राइस वगैरह भी आप लोगों को डिटेल में दिख रहा होगा। सो गाइज, आज संडे इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखा है, एंड बैठने के लिए भी प्लेसेस नहीं था। सो गाइज, यहाँ का बिरयानी तो काफ़ी फेमस है, तो मैं सोच रही हूँ चिकन बिरयानी और चिकन चाप और चिकन कबाब ऑर्डर करते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं ट्राई करूँगी, बाकी घर के लिए पार्सल कर देंगे। सो अभी वेट करते कब आता है बिरयानी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हाइप सुनी हूँ कि यहाँ का बहुत ही टेस्टी है, अब देखते हैं खाने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइज, ये देख लीजिए हमारा चिकन बिरयानी और ये चिकन कबाब और ये चिकन चाप आ गया है। तो फटाफट अभी ये सब ट्राई करते हैं, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दूँगी रिव्यू। थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा नमक लग रहा है मुझे, बट यहाँ पे आपको एक पीस एग मिल जाएगा और ये एक बड़ा सा लेग पीस रायता और ये सब्जी। अभी ये ट्राई करके देखते हैं। ये तंदूर काफ़ी टेस्टी है, और ये चाप में देखते हैं, ये मेरा पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ, चाप कभी मैं ट्राई नहीं की थी। भाई सीरियसली, चाप भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट हल्का सा नमक है, मतलब चाप में भी थोड़ा सा नमक हो गया है और ये तंदूर में भी ठीक है। और एक बार बिरयानी का बाइट लेके देखते हैं। सो गाइस, मुझे जो मैं तीन आइटम ट्राई किए ना, मुझे लाइक उसका बिरयानी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बस थोड़ा सा नमक है, और ये चाप भी बहुत अच्छा है, और ये जो रोस्टेड चिकन है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चले गाइस, मैं फटाफट अभी ये सब कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आप लोग को जल्दी ही मिलती हूँ। एंड गाइस, ये होटल में काफ़ी अफोर्डेबल है, सो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी एक बार यहाँ पे आके फूड ट्राई कीजिए। सो गाइस, ये था बानो होटल का फुल रिव्यू। तो मुझे तो यहाँ का बिरयानी जो काफ़ी टेस्टी लगा, मैं आप लोगों को 110% रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ यहाँ पे आइए, एंड यहाँ का फूड जो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। लाइक यहाँ का मैं सुनी हूँ लच्छा पराठा भी बहुत अच्छा है, बट आज तो मैं लच्छा पराठा वगैरह ट्राई नहीं की, फिर कभी आके ट्राई कर लेंगे। बट गाइस, बिरयानी भी बहुत टेस्टी था, और मैं चाप और वो तंदूर तो नहीं खा पाई, वो सब पैक करा ली हूँ घर के लिए। अब देखते हैं मम्मी पापा खा के क्या बोलेंगे। मतलब सीरियसली, मैं जितना सुनी थी ना उससे भी बहुत अच्छा। लाइक आज थोड़ा सा हल्का सा नमक ज़्यादा हो गया था, बट वेरी अफोर्डेबल सब कुछ का प्राइस मिला का आई गेस 300 के अंदर हो गया था। मैं प्राइस वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड गाइस, जस्ट बस स्टैंड के फ्रंट में ही है। तो चले गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।